16 महीने की इस महाजंग महायुद्ध में पहली बार नेटो ने यह माना कि नेटो देशों को रूस और बेलारूस दोनों से खतरा पैदा हो गया। नेटो ने चेतावनी देते हुए कहा कि बेलारूस से पूर्व दिशा में कम से कम 8 देशों पर हमला होगा। हैरानी की बात तो यह है कि नेटो देश हंगरी के प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया कि नेटो और यूक्रेन कितना भी जोर लगा ले, यूक्रेन रूस से जंग नहीं जीत पाएगा। लाल मौत मर रहा है नेटो। यूक्रेन और नेटो देशों को रूस के साथ जंग करना अब बहुत भारी पड़ता जा रहा है। जो नेटो देश अभी तक यूक्रेन को घातक हथियार देने में जुटे थे, अब वही नेटो देश घबराए हुए हैं कि अब पुतिन मॉस्को और मिन्स्क से इतने जबरदस्त हमले करने जा रहे हैं जो यूक्रेन के साथ साथ नेटो देशों को भी तबाह कर डालेगा। नेटो में खौफ का आलम यह है कि अब तक नेटो देश हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि युद्ध में रूस के खिलाफ यूक्रेन की जीत असंभव है, यानी रूस को यूक्रेन कभी नहीं हरा पाएगा। नेटो देश का दावा, यूक्रेन की जीत असंभव। पिछले 72 घंटों में रूस यूक्रेन जंग बड़ी तेजी से बदल चुकी है। हालात ये हो गए हैं कि नेटो वैगनर के जरिए पुतिन का शिकार करने निकला था, अब वही नेटो पुतिन का शिकार होने जा रहा है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने पुतिन को खुली छूट दे दी है कि वो नेटो पर चारों तरफ से हमला करे। यूक्रेन के चक्कर में मारे जाएंगे 31 देश। रूस की राजधानी मॉस्को और बेलारूस की राजधानी मिन्स्क पर पूरी दुनिया की नजरें गड़ी हुई हैं। 16 महीने की जंग में पहली बार ऐसा हुआ है जब नेटो देशों पर हमले का खतरा सबसे ज्यादा हो चुका है। भले ही अभी तक की जंग में रूस को भयानक नुकसान हुआ हो, लेकिन उसके बावजूद रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना के पर खच्चे उड़ाकर रख दिए हैं। नेटो और पश्चिमी देशों को लग रहा था कि हिमार्स रॉकेट, लेपर्ड और चैलेंजर जैसे एडवांस टैंक रूसी सेना को मटियामेट कर देंगे, लेकिन रूस के तूफानी हमलों ने यूक्रेन के कम 13 शहरों को कब्रिस्तान बना दिया है। कुछ दावों के मुताबिक रूस हर दिन यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों पर 100 से ज्यादा मिसाइल हमले कर रहा है। लेकिन उससे भी खौफनाक बात यह है कि अब रूस ने यूक्रेन के साथ साथ यूक्रेन से लगे कम से कम 8 नेटो देशों पर सीधा हमला करने का मन बना लिया, जिसकी वजह से अब जंग में नेटो के सभी 31 देशों को मजबूरी में रूस से जंग करनी पड़ेगी। लेकिन हम आपको बता दें कि रूस ने पहले ही बेलारूस के पूरब से नेटो पर हमले का प्लान बना लिया है, जिसने नेटो के होश उड़ा दिए हैं। पहले आप ये जान लीजिए कि हेग में हुई नेटो देशों की मीटिंग में क्या हुआ है। नेटो पर झपटेगी पूरब से मौत। नेटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने साफ कहा है कि अब वक्त आ चुका है कि नेटो देश अपनी सुरक्षा की पुख्ता तैयारी कर ले, क्योंकि पूरब की तरफ से गंभीर खतरा पैदा हो गया है। जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि नेटो को मॉस्को या मिन्स्क से आने वाली किसी भी खतरे से निपटने के लिए खुद को तैयार करना होगा। वैगनर चीफ येवगेनी पेरोग्जिन पर बोलते हुए स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि बेलारूस में वैगनर के पहुंचने से पूर्वी हिस्से में सैनिक तैयारी बेहद तेज कर दी है। नेटो देश लिथुआनिया और पोलैंड ने बेलारूस में वैगनर लड़ाकों को सीधा खतरा बताया है।
हेग में 8 नेटो देशों ने मांग की है कि रूस और बेलारूस के हमले से निपटने के लिए तैयारी युद्ध स्तर पर तुरंत करनी होगी। यूक्रेन के चक्कर में मारे जाएंगे 31 देश। We are of course closely monitoring the developments and we have already increased our readiness, our preparedness and our military presence in the eastern part of the alliance. We will make further decisions to further strengthen our collective defense with more high readiness forces and with more capabilities to ensure credible deterrence and defense for the whole alliance. वैगनर की बगावत के बाद से पुतिन का खून खौल रहा है। पुतिन को साफ लग रहा है कि मॉस्को पर हमले के फिराक में नेटो देश जुटे हुए हैं और उन्होंने वैगनर को मोहरा बनाया है। लेकिन अब 72 घंटे के बाद बाजी पुतिन ने पलट दी है। रूस के 3000 टैंक, 200 तोपें और 100 से ज्यादा रॉकेट सिस्टम 24 घंटे पूर्वी यूक्रेन के खेरसोन पर भयानक हमले कर रहे हैं। हालत ये हो गई है कि रूस ने पिछले 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के ग्राम टोरस्क पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले कर दिए हैं। तूफानी मिसाइल हमलों में 11 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यूक्रेन के क्राम तुरस्क में चारों तरफ इमारतों का मलबा और लाशें बिछी हुई हैं। इस खौफनाक हमले ने यूक्रेन में भयानक दहशत पैदा कर दी है, क्योंकि यूक्रेन ने इस तरह से भीड़ वाले इलाके में कभी भी मिसाइल हमला नहीं किया था। लेकिन अब रूस ने सारे नियम कानून और भावनाओं को दांव पर रखकर बेरहम हमले शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन के चक्कर में मारे जाएंगे 31 देश। І серед них дитина, мої співчуття рідним та близьким. Станом на цю годину більше 40 людей поранено, усім надається допомога, триває розбір завалів. Кожен такий прояв терору знову і знову доводить і нам, і усьому світу, що Росія заслуговує лише на одне за наслідками усього, що вона наробила. Поразку та трибунал, справедливі та законні суди проти усіх російських вбивців. पुतिन की सेना ने पिछले 3 हफ्तों में अपने हमले के पैटर्न को पूरी तरह से बदल दिया है। दावा किया गया है कि अब यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों पर हमले तेज कर दिए हैं। इस वक्त रूस की फौजों ने डोनेस्क, खेरसोन, खार्किव, ज़ापोरोजिया पर सबसे तीखे हमले किए हैं। एक अनुमान के मुताबिक 4 जून से शुरू हुआ यूक्रेन का काउंटर अटैक 3 हफ्ते बाद भी बेहद धीमी रफ्तार से चल रहा है। 1000 से 1500 मीटर की दूरी तय करने में यूक्रेन की सेना 20 दिन से ज्यादा का समय ले रही है। 4 जून से अब तक 12000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं। यही वजह है कि अब नेटो देश हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन ने यूक्रेन के दावों की पोल खोल कर रख दी है। जरा देखिए क्या कह रहे हैं यूक्रेन की जीत के दावों पर हंगरी के प्रधानमंत्री। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध में रूस के खिलाफ यूक्रेन की जीत असंभव है। जर्मन टैब्लॉइड बिल्ड से बात करते हुए हंगरी के पीएम ने कहा कि युद्ध के मैदान में रूस को हराने के लिए यूक्रेनी सेना की अमेरिकी मदद पूरी तरह से गलत है। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन ने यहां तक दावा किया है कि जंग तभी रुकेगी जब ज़ेलेंस्की का कीव वॉशिंगटन से शांति वार्ता कर पाएगा। लाल मौत मर रहा है नेटो। इधर दूसरी तरफ यूक्रेन के पूरब में बेलारूस में रूस और बेलारूस ने बड़े हमले की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं। जानकारी के मुताबिक रूस के परमाणु बम बेलारूस में हमला करने के लिए तैयार हो चुके हैं, जबकि बेलारूस के 60,000 सैनिक 25,000 वैगनर लड़ाकों के साथ यूक्रेन पर हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं। वहीं बेलारूस में रूस की 30,000 सैनिकों ने अपने कमांडरों के साथ यूक्रेन की सीमा की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। इधर राष्ट्रपति पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने यूक्रेन और नाटो को साफ साफ चेतावनी दे दी है कि नाटो की तरफ से आने वाले हर खतरे का मुंहतोड़ जवाब अब बेलारूस की तरफ से दिया जाएगा। नाटो पर झपटेगी पूरब से मौत। сегодня мы отчетливо видим новую волну расширения НАТО и беспрецедентное наращивание потенциала
стран-членов Альянса в регионе, в том числе в непосредственной близости от наших границ.